फ्रेंड्स, आज का ट्यूटोरियल के लिए हम यूज़ करने वाला है 5 प्लाई का यर्न और फिर 5.5 मिलीमीटर हुक। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। फर्स्ट मेक ए स्लिप नॉट एंड उसके बाद में 46 चेन बनाएगा। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 46 चेन बना लेने के बाद में क्या करना है हम लोग को, चेन 46 एंड देन टर्न। ये फर्स्ट इस चीज़ को छोड़ देना, सेकेंड का ये बट में इसको घुसा के ले गया। ठीक है, तो क्या करना है, आप इस तरह से घुसाना है, फिर यर्न ओवर करके यर्न को लेके आना है। नाउ वी हैव टू लूप्स। ठीक है, और ख़त्म नहीं करेगा, अगेन सेम ये वाला बट को भी उठाएगा नेक्स्ट इस चीज़ का, है ना। तो नाउ वी हैव 3, फिर नेक्स्ट वाला में भी उठाएगा। वी विल बी डूइंग द सेम टिल वी हैव 6 लूप। ठीक है, यहाँ में 6 लूप जब तक नहीं हो जाते हम लोग उठाते जाएगा। कितना हो गया, 5 हो गया, है ना। देन अगेन दिस विल बी लास्ट। याद रखना, आप थोड़ा लूज करके चेन बनाना, नहीं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, फास्ट बात ये इस इज द फास्ट स्टेप्स, तो फास्ट तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, स्पेशली इफ़ यू आर ए बिगिनर। ओके, सो नाउ वी हैव 6 लूप, 1, 2, 3, 4, 5, 6। नाउ क्या करना है, यर्न ओवर एंड देन पुल थ्रू ऑल द लूप, सब से लेके निकाल के आ जाना। कर इट, उसके बाद क्या करना है, चेन वन कर लेना है। सो हम लोग का फास्ट स्टार बन गया, है ना। तो नाउ क्या करना है, ये लूप होल देख रहे ना, चेन रन कर देने वाला ये हेड में स्टार का, फास्ट स्टार का हेड में क्या करना है, हुक को घुसा के यर्न लेके आना है। ठीक है, उसके बाद में ये लास्ट स्टिच है ना हम लोग का, लास्ट स्टिच को उठाना है हम लोग का, लास्ट स्टार स्टिच को उठाना है। उसके बाद में जस्ट उसका बेस को उठाना है। ठीक है, ये जो लास्ट स्टार स्टिच का बेस को भी उठाना है। तो कितना हो गया, अभी 4 हो गया हम लोग का लूप। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट 2 बट को हम लोग उठाएगा फिर, ताकि हम लोग का 6 लूप्स हो, है ना। तो नेक्स्ट 2 को भी लेगा, तो क्या हो गया, 5 हो गया। यानी कि नेक्स्ट को भी लेगा तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, आराम से गुजार लेना। नाउ वी हैव 6, अगेन हम लोग पुल थ्रू ऑल द लूप्स। तो दिस इज़ आवर सेकेंड स्टार स्टिच, है ना। तो इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करना है ये स्टेप में। तो क्या करना है, ये हेड होल में घुसा लेना स्टार स्टिच का, फिर ये लास्ट स्टार स्टिच का लास्ट स्टिच को क्या करना है, घुसाना है, इसे भी यर्न ओवर करके लेके आना है। नाउ 3 हो गया, फिर 4 करे लास्ट स्टार स्टिच का बेस वाला को उठाना है। नाउ वी हैव 4 लूप्स, है ना। एंड देन अभी क्या करना है, 5 नेक्स्ट बट को उठाना है, एंड फिर ये लास्ट फिर से, है ना। इसी तरह क्या करते जाना है, बनाते जाना है ये वाला रूप के लिए। ठीक है, आप अगर बिगिनर है तो मेक श्योर लूज कर लेना है थोड़ा स्टिच को, ताकि आपके लिए ज़्यादा टाइट ना हो जाए। ठीक है, 6 लूप को सीधा लेके आ जाओ, ऐसे करके बन के जा रहा है हमारा स्टार स्टिच। नाउ कंटिन्यू डूइंग द सेम। We have 6, down, chain 1.
फ्रेंड्स, ये मेरे लास्ट स्टार्स दिस होगा। उसके बाद में चेन वन, नाउ लास्ट स्टेप क्या करना है हम लोग को, हाफ डबल क्रोशेट करेगा इनटू दिस सेम स्टिच लास्ट स्टिच में। लास्ट स्टेप के लिए क्या करना पड़ेगा, यर्न ओवर करो, यर्न हुक को घुसाओ, उसके बाद में लेके आओ। नाउ वी हैव थ्री लूप्स, यर्न ओवर, पुल थ्रू ऑल। डबल क्रोशेट करने के बाद क्या करना है, चेन वन करना है एंड टर्न योर वर्क। तो ये जो 46 रो हम लोग लिया है वो हम लोग का हाइट ऑफ द टॉप है, ठीक है। तो अगर आपका हाइट, आपको टॉप लंबा चाहिए तो स्टिच काउंट कर लेना ज़्यादा, 46 हम लोग ने काउंट किया, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, इवन नंबर ले लेना हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ फॉर रो टू क्या करना है, चेन वन करने का टर्न योर वर्क एंड नाउ हम लोग क्या करेगा, सिंगल क्रोशेट करेगा। ये फर्स्ट जो हाफ डबल क्रोशेट किया था उसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंगल क्रोशेट करेगा इस तरह से, ठीक है। एंड देन ये होल दिख रहे ना हम लोग का जो स्टार स्टिच का हेड, जो उसमें क्या करना है, एक सिंगल क्रोशेट करना है ये फास्ट वाला में, ठीक है। फास्ट होल में एक बार सिंगल क्रोशेट करना है। लेट मी शो यू अगेन, फास्ट क्या किया है हम लोग ने, हाफ डबल क्रोशेट करने के बाद में चेन वन किया एंड देन हाफ डबल क्रोशेट स्टिच, यहाँ में क्या करना है, सिंगल क्रोशेट करेगा ये, ठीक है। एंड देन अगेन यहाँ में जो होल है हम लोग का स्टार स्टिच का हेड में, एक बार क्या करना है, सिंगल क्रोशेट करना है, ठीक है। उसके बाद में जो सेकेंड होल है उसमें सीधा जाना है, उसके बाद सेकेंड होल में टू सिंगल क्रोशेट करेगा। रिमेंबर फास्ट वाला होल में क्या करना है, सिर्फ एक बार सिंगल क्रोशेट करना है हमेशा, और फिर ये सेकेंड से क्या करना पड़ेगा, दो सिंगल क्रोशेट करना है, ठीक है। तो वन टू एक होल में हो गया, फिर नेक्स्ट में जाओ, नेक्स्ट होल में यहाँ में फिर टू सिंगल क्रोशेट करना है। इसी तरह क्या करना है, सब होल में टू सिंगल क्रोशेट करके एंडिंग तक जाना है, ठीक है। एंड देन आई विल मीट यू जब मेरा ये रो ख़त्म हो जाएगा तब। माय लास्ट होल, यहाँ में भी टू सिंगल क्रोशेट करने के बाद में यहाँ में वन सिंगल क्रोशेट करना है फिर, ठीक है। नाउ और क्या करना है, चेन टू करना है, रो थ्री, फोर रो थ्री, चेन टू कर लो। उसके बाद में अगेन वी विल मेक आवर स्टार स्टिच, जैसे स्टार स्टिच करेगा तो चेन टू किया एंड देन टर्न योर वर्क, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ये चेन टू दिखाई दे रहा है आपको, चेन टू किया तो हम चेन टू का ये फिर से बट को यूज़ करने वाला है, ठीक है। तो क्या करना है, ये देखिए यहाँ में है ना, टर्न करने के बाद में ये हो रहा है, ये टू लिटिल बट दिख रहा है हमको, है ना। तो हम लोग फास्ट वाला को छोड़ देगा, सेकेंड को यूज़ करेगा, ठीक है। बट बिफोर डेट क्या करना है, ये वाला चेन टू का सेकेंड स्टिच में एक बार हुक को घुसा के यर्न ओवर कर लेना है, तो नाउ वी हैव टू, उसके बाद ये छोटा सा बट को लेगा, ठीक है। सो ये वाला थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपको शुरू में, लेकिन बाद में आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे फिर से दिखाएगा हम आपको, सिंगल क्रोशेट करने का चेन टू, चेन टू का बट में टर्न योर वर्क, है ना। तो क्या हो रहा है, हम लोग का ये चेन टू का ये टू बट दिख रहा है ना। तो हम लोग फास्ट वाला को नहीं, सेकेंड को यूज़ करेगा। तो क्या करेगा, पहले इधर में स्ट्रेटली एक बार घुसाएगा हुक को, उसके बाद में इस तरह से चेन टू थोड़ा लूज कर लेना ताकि इजी हो, इतना मुश्किल ना हो आपके लिए। तो अभी थ्री लूप्स हो गया हम लोग, है ना। तो जस्ट चेन टू का ये नीचे फर्स्ट सिंगल क्रोशेट है ना, यहाँ में इसमें और घुसा लेना है बेस में, तो फोल्ड हो गया। फिर नेक्स्ट टू स्टिच में हम लोग फिर से करेंगे, सिक्स लूप्स है। तो यर्न ओवर, पुल थ्रू ऑल, है ना, एंड देन फिर से चेन वन। ये बन गया हम लोग का फिर से स्टार स्टिच। तो फिर से सेम चीज़ फ्रॉम नाउ ऑन, जिसे हम लोग ने फर्स्ट रो में किया है, तो यही चीज़ रिपीट करना है थर्ड रो में भी, ठीक है।
फ्रेंड्स हम आ गए एंडिंग में। लास्ट में क्या करना है, हाफ डबल क्रोशे करना है, उसका बाद में चेन वन ट्रायंगल वन। तो इसी तरह आप लोग को क्या करना है, रो टू और फिर रो थ्री को कंटिन्यू करना है। तो फ्रेंड्स हम हो गया 74 रोज तक आ गया हम। तो दिस इज़ माय लास्ट स्टिच। क्रोसेट हुक से ही स्लिप स्टिच कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या करने वाला है, यू कैन यूज़ डार्लिंग नीडल्स ऑल्सो सीव करने के लिए, ठीक है, सिलाने के लिए, लेकिन हम यही से करने वाले हैं, ठीक है, स्लिप स्टिच। ये रॉन्ग साइड है, रॉन्ग साइड निकाल लेना, ठीक है। दिस विल बी आवर राइट साइड, ये हम लोग का राइट साइड होगा और ये रॉन्ग साइड होगा। तो रॉन्ग साइड कर लेना है हम लोग। और अभी हम लोग को ये, हम लोग को क्या करना है, अभी ज्वाइन कर लेना है अपना स्टिच को, ठीक है। देखना वन टू ये थ्री वाला में, ठीक है, ज्वाइन कर लेना। चेन वन का क्या कर लेना, इसको यहाँ से घुसा लेना इस तरह से, ठीक है। उसके बाद में बंद कर लो। डार्निंग नीडल भी यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट स्टिच से क्या करना है, सिंपल स्लिप स्टिच करते जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्या करो, स्लिप स्टिच करके एंडिंग तक पहुंचना है आपको, ठीक है। सो डन विद द स्लिप स्टिच। तो जॉइनिंग हो गया अभी। नाउ वी जस्ट हैव टू कट आवर यार्न। रिमेनिंग यान को आप छुपा ले सकता है डार्निंग नीडल की हेल्प से। यान छुपाने का काम लास्ट में करेगा हम। टर्न इट राइट साइड। दिस इज हाउ इट लुक्स। आप इसको सेंटर में भी, बैक साइड का सेंटर बना सकते हैं या फिर इसको अंडर आर्म्स में रख सकते हैं, है ना, साइड का इस तरह से। नाउ हम लोग यहाँ से क्या करने वाला है, राइट साइड से सिंगल क्रोशेट करने वाले हैं, यानी ज्वाइन करके, ठीक है। तो ये बहुत छोटा है लूप, तो मैं ये छोटा लूप से ज्वाइन करने की कोशिश करूँगी फास्ट, उसके बाद में हम बड़ा सकते हैं। यहाँ में ज्वाइन कर लेगा। नोट बना लेना पहले, या तो आप सीधा ज्वाइन भी कर सकते हैं।
मैं फिर से इसी से यूज़ करूँगी। अब यहाँ से क्या करेगा, चेन वन करने के बाद में सिंगल क्रोसेट करके जाएगा, ठीक है, ये फास्ट पिक होल में इसको भी छुपा के जाएगा। पिक होल में कर लिया यहाँ में, तो यहाँ में सिंगल क्रोसेट स्टिच है, यहाँ में फिर सिंगल क्रोसेट करेगा एक बार। इसके बाद में यहाँ में स्टार स्टिच में करेगा, ठीक है, तो इसी तरह करना है, स्टार स्टिच में करेगा सिंगल क्रोसेट, फिर से बिग होल जो मिल गया यहाँ में भी सिंगल क्रोसेट करेगा, एंड अगेन सिंगल क्रोसेट स्टिच में वन सिंगल क्रोसेट, फिर यहाँ में स्टार स्टिच में भी एक सिंगल क्रोसेट, एंड देन फिर बिग में, तो इसी तरह सिंगल क्रोसेट करते आना है जब तक कि यहाँ में ना पहुँच जाए लास्ट में, लास्ट स्टिच में, ठीक है। एट माई एंड अभी नाउ हम लोग क्या करेगा, स्लिप स्टिच करेगा फर्स्ट चेन, देन चेन वन एंड कट ऑफ द यार्न। दो स्लीव बनाने के लिए आप लोग को इस तरह से फोर्थ साइड को इक्वल में डिवाइड करना पड़ेगा, और फिर फोर्थ साइड में क्या करो, स्टिच मार्कर लगा देना, ठीक है, मिडिल स्टिच में इस तरह से फोर करके। आप चाहे तो स्टिच काउंट करके भी देख सकते हैं, बोथ साइड का इक्वल होना चाहिए, ठीक है, तो आपका जो भी नंबर आएगा काउंट करके उसका आधा आप क्या करो, डिवाइड कर दो इसको दो दो हिस्सा में, ठीक है। ना वो स्लीव बनाएगा तो यहाँ से काउंट करना पड़ेगा स्टिच, जितना भी आपको आपको जहाँ भी अपना स्ट्रेप चाहिए है ना, तो वहाँ से क्या करो आप उतना तक काउंट कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ स्टिच 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मैं 14 स्टिच काउंट करूँगी। 14 स्टिच में हम यहाँ में क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, ठीक है, अपना यार्न, यहाँ से मैं अपना स्टेप का बिगिनिंग करेगा, ठीक है। उसके बाद में पीछे में भी सेम 14 काउंट करके 14 में ज्वाइन करेगा। जी है स्लिप्स भी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप अपना स्टिच सबको काउंट कर लेता है अच्छा से, और अच्छा से डिवाइड कर लेता है, तो कुछ नहीं, अभी ज्वाइन कर लेना यार्न को एंड चेन वन, ठीक है। तो नाउ हम लोग चेन बनाएगा, तो आई एम गोना चेन 36, ठीक है, और ये चेन डिपेंड करता है आपका हुक का साइज़ एंड फिर यार्न का साइज़ में भी, ठीक है, आप अपना बॉडी में मेजर करते जाना तो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरा हो गया 36 चेन बनाया मैंने, और अभी हम लोग क्या करेगा, सेम या इस साइड से काउंट कर देगा 14 स्टिच, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो हम लोग यार्न को 14 स्टिच में ज्वाइन कर लेगा, ठीक है। देखना आपका स्ट्रेच क्या हो, स्ट्रेट हो एंड कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, है ना, मुड़े ना, सीधा हो ऐसे, स्ट्रेप को स्ट्रेट भी ज्वाइन कर लेने के बाद में कुछ इस तरह से, है ना। तो अभी हम लोग इस साइड में सिर्फ काम करेगा, ठीक है, अपना स्लीव को यहाँ में बनाएगा, इस साइड में नहीं, इस साइड में, ये डायरेक्शन में काम करेगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ में स्लीव स्टिच कर देने के बाद में नेक्स्ट चेन में क्या करना है, एक बार इधर में भी एक बार सिंगल क्रोसेट कर देना है, ठीक है, एंड देन आपको कुछ नहीं, चेन को टर्न कर लेना, उसके बाद में नेक्स्ट स्टिच से सिंगल क्रोसेट करके वापस जाना है टिल द एंड, ठीक है। सिंगल क्रोसेट जिसको करने नहीं आता है, जस्ट टेक योर हुक, घुसाना हुक को निकाल के टू लूप्स है, पुल थ्रू टू, है ना, दिस इज हाउ वी डू सिंगल क्रोसेट। सो हम लास्ट स्टिच में पहुंच गया, तो यहाँ में भी जस्ट उस तरफ का जैसा यहाँ में भी
एक स्थिति में नेक्स्ट स्थिति में क्या करेगा, सिंगल क्रोसेट करेगा, ठीक है। एंड नाउ फ्रॉम नाउ ऑन हम लोग डबल क्रोसेट करेगा, ठीक है, ताकि हम लोग का स्लिप जल्दी से भरा हो। तो अभी नेक्स्ट स्थिति से हम लोग डबल क्रोसेट करके जाएगा, ठीक है। डबल क्रोसेट करेगा राउंड राउंड फॉर ऑलमोस्ट सिक्स रोज, ठीक है। सो हाउ टू डू अ डबल क्रोसेट, यर्न ओवर, गो थ्रू द हुक, नाउ टू थ्रू टू, टू थ्रू टू, ठीक है। इस तरह से क्या करना है, डबल क्रोसेट करके जाना है आपको। अभी आपको इस स्टेप से भी डबल क्रोसेट करके ही जाना है। तो फ्रेंड्स, डबल क्रोसेट कर करके हम लोग फिर से यहाँ तक आएगा, ठीक है। हम आपको यहाँ में मिलेगा फिर। सो फ्रेंड्स, हम डबल क्रोसेट कर करके आ गया फिर से जहाँ से हम लोग ने डबल क्रोसेट करना शुरू किया, ठीक है। तो फ्रॉम नाउ ऑन हम लोग डबल क्रोसेट करेगा सिक्स रोज फिर से, ठीक है। इस तरह से कंटिन्यू करेगा अपना डबल क्रोसेट। सो कीप डूइंग डबल क्रोसेट। फ्रेंड्स, हम आपको सिक्स रोज ऑफ डबल क्रोसेट बनाने के बाद मिल रहे हैं, ठीक है। बहुत से सिक्स रो तक बनेगा डबल क्रोसेट, उसके बाद में हम लोग डिक्रीज करेंगे फिर। तो फ्रेंड्स, हमने बना लिया, हम सिक्स का जगह सेवन रो बनाए, देखा। सिंगल क्रोसेट स्टिच को काउंट नहीं करना है, जैसे हम लोग डबल क्रोसेट किया ना, डबल क्रोसेट को काउंट करना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन रो ऑफ डबल क्रोसेट किया मैंने, ठीक है। और यही में आके रुके जहाँ से हम लोग ने डबल क्रोसेट करना स्टार्ट किया था, है ना। तो फ्रॉम नाउ ऑन हम लोग क्या करेगा, अभी से डिक्रीजिंग करना स्टार्ट कर देगा, ताकि हम लोग का आर्म छोटा होते जाए, है ना। हम लोग तब तक डिक्रीज करेगा अभी जब तक कि हम लोग का आर्म्स का साइज ना बन जाए, ठीक है। तो डिक्रीजिंग कैसे करेगा वो हम आपको दिखाएगा, ठीक है। तो जस्ट अब डबल क्रोसेट करके इस साइड तक ही क्या है, बिगिनिंग से ही यहाँ से हम लोग फिर से डिक्रीज करना शुरू कर देगा, ठीक है, ये साइड से है। तो डिक्रीज करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना, जस्ट लिफ्ट वन स्टिच, ठीक है। और फिर यहाँ में हम लोग डबल क्रोसेट करेगा इस तरह से। तो ये वन डबल क्रोसेट कर लिया, फिर से कंटिन्यू फोर फाइव डबल क्रोसेट करेगा, एंड देन हम फिर डिक्रीज करेगा, ठीक है, एक एक। तो अभी वन टू ये डिक्रीज किया, फिर वन टू थ्री फोर फाइव। सो फिर से फाइव नॉर्मल डबल क्रोसेट करने के बाद में हम फिर से डिक्रीज करेंगे, ठीक है। ये डिक्रीज भी आपका ऊपर है, ठीक है। अगर आप जल्दी जल्दी अपना अपना ये आर्म को बंद करना चाहता है तो स्टिच करके सीधा डिक्रीज कर सकते हैं। या हम फाइव स्टिच रखा बीच में, आप में भी थ्री आफ्टर थ्री ही फिर डिक्रीज कर दो तो जल्दी जल्दी बंद हो जाएगा, ठीक है। तो हम फिर भी फाइव स्टिच करने के बाद में ही फिर हम डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर से एक तो ये हो गया,
फिर टू नॉर्मल से करेगा, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, एंड देन फाइव, एंड देन फिर से डिक्रीज करेगा। ओके, फिर से एक स्टिच छोड़ के नेक्स्ट स्टिच में डबल क्रोशे करेगा। इस तरह से डिक्रीज करते जाना है। डिक्रीज करना इजी है, तो इस ऐसा डिक्रीज कर लेने से क्या होगा, थोड़ा सा हम लोग का स्लीव जो पफ होगा है ना ऊपर में। नाउ अगेन डिक्रीज, तो इस तरह से क्या करो, डिक्रीज करते जाना आपको। मे बी थ्री डिक्रीज या फिर फोर रो ऑफ डिक्रीज ही कर पाना चाहिए साइड में। इस हिसाब से हम जब अपना डिक्रीज कर लेगा तब हम आपको मिलेगा, ठीक है। जब मेरा साइज का हो जाएगा हम, तब हम बताएगा कि मैंने कितना रो ऑफ डिक्रीज किया। फ्रेंड्स, तो हो गया, हम इतना तक ही डिक्रीज करेगा। यहाँ से हम फिर से टू रो ऑफ सिंगल क्रोशेट करने वाले हैं। सो लेट मी शो यू हमने कितना डिक्रीज किया है। फोर रो ऑफ डिक्रीज किया, सी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन से हम लोग यहाँ में, सेवन रो का यहाँ में हम लोग क्या किया था, यहाँ से डिक्रीज करना शुरू किया। तो डिक्रीज करके क्या है, ये वन टू थ्री फोर रो ऑफ डिक्रीज बनाए, ठीक है। फोर रो ऑफ डिक्रीज किया है यहाँ से, सी यू कैन सी ये फर्स्ट था, वन टू थ्री फोर, तो यहाँ से ये मेरा लास्ट डिक्रीज होगा, कर लिया लास्ट डिक्रीज। तो यहाँ से क्या करेगा, हम सिंगल क्रोशेट करेगा सीधा, ठीक है। सिंगल क्रोशेट करेगा तो ये और छोटा हो जाएगा, एंड फिर एक क्या हो जाएगा, रिबिंग स्टिच जैसा हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग का ये बन हो जाएगा, तो हम लोग ये 5.5 मिलीमीटर हुक को चेंज करके 4 मिलीमीटर हुक को ले लेगा, ठीक है। 4 मिलीमीटर को से हम लोग क्या करेगा, इसको सिंगल क्रोशेट करेगा। तो सिंगल क्रोशेट, तो चाहे तो आप फर्स्ट स्टिच को मार्क कर लेना, नहीं भी करता तो मालूम चल जाएगा, फिर भी हम आपको दिखाने के लिए कि मार्क कर लेते हैं, ठीक है। वन, तो नॉर्मल सिंगल क्रोशेट करना है अभी, फिर से स्टिच मार्कर तक आने तक, ठीक है। तो ऐसे करने से क्या होगा कि ये आर्म होल जो छोटा हो जाएगा हम लोग का। तो ये मेक श्योर कि आप अपना साइज का बना लेना आर्म होल, ठीक है, अपना। सिंगल क्रोशेट कर देने पर थोड़ा सुंदर से हम लोग का क्या आर्म होल जो राउंड होके आ रहा है ना, यही पर्पस है हम लोग का सिंगल क्रोशेट करने का लास्ट में। आगे हम लोग फिर से स्टिच मार्कर के पास में, तो अभी स्टिच मार्कर को रिमूव करके फिर से वन रो ऑफ सिंगल क्रोशेट करेंगे, ओके। तो फिर से यहाँ में मार्क करके रख देना। हम लोग यही में क्या करेगा, स्टिप्स को फिर से वन रो ऑफ सिंगल क्रोशेट फिर से करके चेन वन करके कट करके यर्न को छुपा लेगा, ठीक है। एंड देन हम लोग का स्लीव बन जाएगा। अगेन हम लोग पहुंच गए लास्ट तक। नाउ स्लिप स्टिच and then cut chain one and cut off the yarn, cut करना है, and then ये remaining yarn को छुपा लेना है अंदर में darning needle से, है ना। तो
सी हम लोग का पफ स्लीव से कितना पफी बना है, तो वही सेम इसी स्टाइल में इस साइड का भी आपको बना लेना है ना। Even now, you're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath.